यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलिए हम शब्द लेते हैं, तो ये बहुत आपने सुना है, ये वर्ड इंग्लिश में काफ़ी आता है, हाईजैक। हाईजैक का मतलब भी अपहरण करना होता है, ये विमान से अपहरण करने के लिए स्पेशली यूज होता है। और इसमें एक वर्ड है, जैसे उग्रवादियों ने भारतीय एयरलाइंस का अपहरण कर लिया और इस विमान को ले गए, तो इसका आप इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में और प्रैक्टिस करेंगे कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे। उग्रवादी का होता है इंग्लिश मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स हाईजैक्ड इंडियन एयरलाइंस एंड टुक दिस प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को ले गए, टुक दिस प्लेन टू दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, ठीक है। तो मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, हाईजैक तो आप बनाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, टेररिस्ट आतंकवादी, मिलिटेंट अल्ट्रा, टेररिस्ट मिलिटेंट एंड अल्ट्रा इज फॉर आतंकवादी, टेररिस्ट मिलिटेंट अल्ट्रा हैज हाईजैक्ड एरोप्लेन एयरलाइंस। सो आप ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस, टेररिज्म दैट इज आतंकवाद, टेररिस्ट से बना है। तो तीन वर्ड आपको आ गए, मिलिटेंट अल्ट्रा एंड टेररिस्ट। अब एक नया वर्ड है रॉब, रॉब प्लंडर लूट, रॉब का मतलब होता है लूटना, रॉब का मतलब डकैती करना, लूटना, और लूट मने भी लूटना होता है, हिंदी का लूट LOOT, लूट मने भी लूटना। तो मान लो रॉबर robbed, robber का मतलब लुटेरा, plunderer माने लुटेरा, तो robber robbed, लुटेरे ने लूटा, और लुटेरे ने दुकान को लूट लिया, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। commit suicide, commit का मतलब करना, suicide माने आत्महत्या, commit suicide आत्महत्या करना, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, घर में काफी है करना, आईने के सामने कम कीजिए, बार बार बोलिए commit suicide, रॉबर प्लंडर रॉब प्लंडर लूट।